हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आप देखते ही समझ गए होंगे, आज मैं बनाने वाली हूँ मटका कुल्फी। ये भारतीय परंपरा का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा और सबका प्रिय। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ मैंने यूज़ किया है शुद्ध गाय का दूध, ये 1.5 लीटर है। आप चाहो तो पैकेट का भी यूज़ कर सकते हो। ये शक्कर है 1/4 कप से मैंने थोड़ा सा कम लिया है और 2 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून है। ये खोवा है, सूखा नारियल है, काजू है 2 टीस्पून के आसपास है, बादाम है और इलायची है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैकेट को ओपन किया है। ओपन करके मैं इसको बर्तन में डाल दूँगी। बर्तन में डाल के मैं इसको गैस पे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। गैस पे बॉईल करने के लिए रख दिया है मैंने। अब जैसे इसमें बॉईल आएगा, एक बॉईल आते तक मैंने गैस को फ्लेम हाई रखा है। जैसे इसमें बॉईल आया है, इसको मैंने स्पून से हिलाकर अच्छे से मिक्स किया है। देन उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है, एकदम मीडियम भी नहीं, स्लो किया है। स्लो करके मैंने इसको हाफ आवर तक पकने दिया है। पकते जब तक ये आधा ना हो जाए, आप देख सकते हो ये आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे बाद मेरा मिल्क ऐसा दिख रहा है, ये अभी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और काफ़ी क्रीमी भी दिख रहा है। अब मैंने इसमें ऐड किया शक्कर, 1/4 से थोड़ा सा कम है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। जैसे ये मिक्स हो गया, यहाँ मैंने ऐड किया खोवा। खोवा डालने से हमारे कुल्फी में दानेदार टेक्स्चर आएगा और हमारा दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा रहेगा। अब आप देख सकते हो मेरा दूध और भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बस अब कुल्फी बनाने के लिए बैटर कम्प्लीटली रेडी है, एकदम मलाईदार, दानेदार और दिखने में भी थोड़ा सा येलोइश है। मेरा पैकेट का दूध है इसलिए मुझे, सॉरी, गाय का दूध है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। आप पैकेट का भी दूध यूज़ कर सकते हो। मैंने बंद करके अब थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें इलायची मिलाया है। उसके बाद काजू को मैंने एकदम बारीक बारीक काटा है, बादाम को भी, उसको भी मैंने उसमें मिक्स कर लिया है। और यही सूखा नारियल का पाउडर, मैंने सूखा नारियल को एकदम बारीक कर लिया है। सूखा नारियल हमको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, ज़्यादा करने से उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, कम ही डालना है, नहीं के बराबर। अब आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया, ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स करने के बाद। अभी ये मटके में भरने के लिए एकदम रेडी है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि हमें ज़्यादा शक्कर नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा शक्कर डालने से कुल्फी जल्दी जमता नहीं है। अगर ऐसा हो तो इसमें थोड़ा सा दूध और मिक्स करके आप फिर से जमने रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको मटके में भर दिया है। मैंने चारों मटके फिल किए हैं। चारों मटके फिल करके अब मैं इनको डेकोरेट करूँगी ड्राई फ्रूट से, जिसको मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था। अब यहाँ पे मेरे 4 मटके भर गए हैं, उसके बावजूद भी मेरा इतना बैटर बचा है जिसको मैं कुल्फी मोल्ड में डालूँगी। अब मैंने इसके ऊपर डाला है बादाम, काजू और थोड़ा सा पिस्ता। पिस्ता डालने से लुक वाइज ये बहुत अच्छा दिखता है। अब आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली एकदम रेडी है। अब मैं इसको कवर करूँगी सिल्वर फॉइल से कवर करके इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 8 घंटे के लिए या रात भर के लिए। मैंने इसको कवर करके डाल दिया है। अब ये है नेक्स्ट डे आप खोल के देखिए, वाओ, दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है। कुल्फी बनके एकदम रेडी है। मैं अभी आप इसको स्पून से भी निकाल के दिखाऊंगी, देखिए कितना बढ़िया जमा है। आप भी इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।